कि गुनाह करने से ताल्लुक़ नहीं टूटता, गुनाह पे बाकी रहने से और अकड़ जाने से ताल्लुक टूटता है। बड़े से बड़े गुनाह हों और आसमान की छत को लगे हों और एक दफ़ा कहो या अल्लाह माफ़ कर, तो अल्लाह फरमाता है जाओ माफ़ किया। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऐ ईमान वालों, तुम बड़े कीमती लोग हो, मैंने तुम्हें ख़रीद लिया है, तुम्हारी जान को भी और तुम्हारे माल को भी। कीमत क्या लगाई है या अल्लाह? जन्नत, जिसकी कोई कीमत लगा ही नहीं सकता। जन्नत ऐसी कीमती चीज़ है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम वअला आलिही व असहाबिही अजमाइन, अम्मा बाद। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के रोज़े कबूल फरमाए, तरावी कबूल फरमाए, तिलावत कबूल फरमाए। बहुत से अहले ईमान उम्रे पर हैं, मदीना हैं, अल्लाह उन सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। आज एक आयत आपके सामने पेश करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाहा अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नत। अल्लाह ताला ने, बेशक अल्लाह ताला ने ईमान वालों के जान और माल को ख़रीदा है। कीमत क्या लगाई है? सारी जन्नत। अल्लाहु अकबर। अगर मैं आपसे कहूं कि ये सोफ़ा 10 करोड़ का है तो आप कहोगे नहीं मौली साहब, आप गलत कह रहे हैं। फिर मैं इसको इसकी जो ये बाजू इसका उठाऊं तो उसके नीचे एक अंडे के बराबर हीरा पड़ा हो तो फिर आप कहेंगे हाँ भाई वाकई ये हीरा तो 10 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो अल्लाह जन्नत, एक तो जन्नत का हमें पता कोई नहीं, इसलिए तो हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं और उसी को जन्नत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं बन सकती, इसे अल्लाह ने मिटाना है, इसे तोड़ना है, हमें मारना है। सोना चांदी का घर बना भी लिया तो मौत का क्या करेंगे, जनाजा तो उठ जाएगा। और जन्नत वो है जिसके लिए अल्लाह कह रहा है कि सारिउ इला मग़फ़रतिन मिन रब्बिकुम व जन्नह, दौड़ लगाओ मेरी मग़फ़रत की तरफ और मेरी जन्नत की तरफ। मेरे नबी का फरमान है, ये नाखून आप देख रहे हैं ना, ये इस नाखून के ऊपर जन्नत में से कोई चीज़ यहाँ रख दो जो सिर्फ इसके बराबर हो तो ज़मीन से लेकर आसमान तक उसकी खुशबू फैल जाएगी और कायनात महक उठेगी सारी की सारी, तो जन्नत क्या होगी। तो अल्लाह ने मेरी आपकी कीमत लगाई है जन्नत, कि हमने अहले ईमान के मर्दों औरतों को जन्नत के बदले ख़रीदा है। जन्नत कीमत अदा की है और इन्हें ख़रीदा है। तो ये इतने कीमती क्यों हैं? इनका दिल चीरो तो इसमें कायनात की सबसे कीमती दौलत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वो यहाँ दिल में मौजूद है। तो इस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की कीमत 7 ज़मीन आसमान से भी ज़्यादा है, जन्नत से भी ज़्यादा है। लेकिन क्या सबको ख़रीदा है? नहीं, सबको नहीं ख़रीदा। अल्लाह ताला ने कहा कि हम जब जाते हैं दुकान पर तो पसंद का माल चुन के हम लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा 9 बातें जिस मर्द औरत में होंगी मैं उसका ख़रीदार हूँ और मैंने उसे ख़रीद लिया। इन्नल्लाह अश्तरा, मैंने ख़रीद लिया, ख़रीदूँगा नहीं, ख़रीद लिया। वो 9 सिफात क्या हैं? अत्ताइबून,
तौबा करने वाले हों। पहली सिफत में कितनी बड़ी तसल्ली है कि उनसे गुनाह हो सकता है, जिनको मैं ख़रीद रहा हूँ उनसे भी गुनाह हो सकता है, कि जब उनसे गुनाह होगा तो वो फौरन तौबा कर लेंगे। अत्ताइबून में बहुत बड़ी तसल्ली है कि गुनाह करने से ताल्लुक नहीं टूटता, गुनाह पे बाकी रहने से और अकड़ जाने से ताल्लुक टूटता है। बड़े से बड़े गुनाह हों और आसमान की छत को लगे हों और एक दफ़ा कहो या अल्लाह माफ़ कर, तो अल्लाह फरमाता है जाओ माफ़ किया। तो पहली सिफत है अत्ताइबून, तौबा करने वाले। दूसरी है अलआबिदून, अल्लाह की इबादत करने वाले, अल्लाह के सामने सर झुकाने वाले। सिर्फ नमाज नहीं, 24 घंटे की ज़िंदगी उनकी अल्लाह उसके रसूल की मर्ज़ी के मुताबिक होती है। तीसरी सिफत क्या है अलहामिदून, हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, दुख हो या सुख हो उनकी ज़ुबान से या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, अरबी में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो तीसरी सिफत है कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। चौथी सिफत है अस्साइहून, कि वो मेरे पैगाम को लेकर दुनिया में फिरते हैं, चूँकि इस उम्मत को जो नबी मिले हैं उनके बाद कोई नबी नहीं, उनके बाद कोई शरीयत नहीं, उनके बाद कोई किसी किस्म की आसमानी किताब नहीं। तो अब इस उम्मत के ज़िम्मे है अस्साइहून, दुनिया में फिरना और लोगों को कहना भाइयों कलमा पढ़ लो और कामयाब हो जाओ, कलमा पढ़ लो कामयाब हो जाओ। जन्नत की चाबी ला इलाहा इल्लल्लाह है, इसके बग़ैर ये खुलेगा नहीं। अस्साइहून। पांचवीं सिफत है अर्राकिऊन, कि वो रुकू करने वाले हैं। छठी सिफत है अस्साजिदून, सजदा करने वाले हैं। हर सिफत को एक एक दफ़ा अल्लाह बयान करेगा कर रहा है, और नमाज को दो लफ्ज़ों में बयान कर रहा है, रुकू करने वाले सजदा करने वाले। आबिदून के अंदर भी नमाज आ गई, अर्राकिऊन में भी नमाज आ गई, अस्साजिदून में भी नमाज आ गई, कि नमाज मेरे नबी ने फरमाया दीन का सुतून है, जो इसको कायम रखेगा उसका दीन कायम है, जो इसे छोड़ देगा उसका दीन मिट जाएगा मिट जाएगा। तो सातवीं सिफत बताई अल-आमिरून बिल-मारूफ, भलाइयों को फैलाने वाले। आठवीं बताई वन्नाहून अलिल मुनकर, बुराइयों से रोकने वाले, जो तबलीग वाले ये काम कर रहे हैं, घर घर जाके दर दर जाकर अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं, नेकियों की रगबत दिलाते हैं, बुराइयों से बचने की तरगीब देते हैं। तो मेरी ज़िंदगी तबलीग में गुजरी अल्लाह के फ़ल्ल व करम से, 80 से ज़्यादा मुल्कों में अल्लाह ने मुझे फिराया, तो इसी पैगाम को लेकर हम फिरे। और नौवीं सिफत क्या है वल्हाफिज़ून लिहुदूदिल्लाह, और अल्लाह की शरीयत की हिफाजत करने वाले, अल्लाह की बाउंड्री के अंदर रहने वाले, उसको क्रॉस नहीं करते। वल्हाफिज़ून लिहुदूदिल्लाह, अल्लाह ने जो हद बंदी कर दी है उसके हिफाजत करते हैं, उससे आगे नहीं जाते, उससे ऊपर नहीं जाते, उससे पीछे रहते हैं। वबशरिल मोमिनीन, और अल्लाह फरमा रहा है कि इन नौ सिफत वालों को मेरी तरफ से बशारत दे दो। मैं ये दोबारा कह देता हूँ, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऐ ईमान वालों, तुम बड़े कीमती लोग हो, मैंने तुम्हें ख़रीद लिया है, तुम्हारी जान को भी और तुम्हारे माल को भी। कीमत क्या लगाई है या अल्लाह? जन्नत, जिसकी कोई कीमत लगा ही नहीं सकता, जन्नत ऐसी कीमती चीज़ है।
जहाँ अल्लाह का दीदार होगा, जहाँ अल्लाह से हम कलाम होंगे, जहाँ नबियों का दीदार होगा, आखिरी नबी का दीदार होगा, जहाँ हमेशा की ज़िंदगी होगी, मौत से पाक होगी, दुख गम से पाक होगी, पेशाब पखाने से पाक होगी, बुढ़ापे से पाक होगी, लड़ाई झगड़े से पाक होगी, खुशियाँ ही खुशियाँ, खुशियाँ ही खुशियाँ। तो मेरा अल्लाह कह रहा है जन्नत तुम्हारी कीमत है और तुम्हारा जान माल मेरा है, इसमें तुम नौ काम करोगे तो मैं तुम्हें जन्नत के बदले ख़रीद लूँगा और जन्नत की चाबी तुम्हारे लिए खुल जाएगी। जन्नत की चाबी से मेरे नबी सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा खुलवाएंगे तो तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाज़ा खुल जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह ये पासपोर्ट है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये वीज़ा है, इन दो के बग़ैर जन्नत में कोई नहीं जा सकता है। तो वो नौ सिफात क्या हैं, अत्ताएबून पहली सिफत तौबा करते हैं, सुभान अल्लाह कितनी बड़ी तसल्ली है कि गुनाह होता है फिर वो तौबा करते हैं, तो अल्लाह इसको भी ख़रीद चुका है। गुनाह करके तौबा ना करे और कहे अल्लाह आप पे बख्शेगा तो फिर तो शिमर और हुसैन का झगड़ा ही कोई नहीं है, दोनों ने एक ही कुर्सी पर बैठना है तो फिर तो सारी शरीयत ही गिर गई। अत्ताएबून तौबा करने वाले, कितना ही बड़ा गुनाह हो या अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह कहता जाओ माफ़ किया। अलआबिदून अल्लाह की बंदगी करने वाले, जिसमें नमाज सबसे ऊपर है और अब रोज़ा चल रहा है, हज है, ज़कात है, नवाफिल हैं। अलहामिदून हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले। अस्साइहून अल्लाह के पैगाम को लेकर दुनिया में फिरने वाले। अर्राकिऊन अल्लाह की बारगाह में रुकू करने वाले। अस्साजिदून अल्लाह की बारगाह में सजदा करने वाले। अलआमरून बिलमारूफ भलाइयों की दावत देने वाले। वन्नाहून अनिल मुनकर बुराइयों से रोकने वाले। वलहाफिज़ून लहुदूदिल्लाह और अल्लाह की शरीयत की हिफाजत करने वाले। अल्लाह ताला ने हुदूद बना दी हैं, ये कुर्सी एक ये हद है, एक ये हद है, इसके दरमियान बैठूंगा तो मैं आराम से बैठूंगा, इसको क्रॉस करूंगा या इधर गिर जाऊंगा या इधर गिर जाऊंगा। तो इन नौ चीज़ों के साथ हम इतने कीमती बन जाते हैं कि हमारी कीमत कायनात नहीं बन सकती। सातों ज़मीन आसमान सारी गैलेक्सीज सारे सोना चांदी ये हम सस्ते हैं और इन नौ सिफतों वाले मर्द औरत महंगे हैं, इनकी कीमत जन्नत है जो हमेशा के लिए रहेंगे, मौत छोड़ नींद भी नहीं आएगी, सोना भी नहीं होगा, हर वक्त जागते होंगे। तो भाई बहनों ये थोड़ी सी ज़िंदगी है, इसको अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक गुजार दें तो हमेशा की ज़िंदगी अल्लाह ताला हमारी मर्ज़ी के मुताबिक कर देगा, हमेशा की खुशियां हमारे मुकद्दर कर देगा। और ये कोई बड़ी बातें नहीं हैं, मैं तीसरी दफ़ा दोहराता हूँ, अत्ताएबून ये पहले में ही इतनी तसल्ली है, तौबा करने वाले, गुनाह हुआ या अल्लाह माफ़ी दे दे, अल्लाह कहता जाओ माफ़ कर दे। अलआबिदून इबादत करने वाले। अलहामिदून अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले। अस्साइहून अल्लाह के नाम को लेकर फिरने वाले। अर्राकिऊन अल्लाह की बारगाह में रुकू करने वाले। अस्साजिदून अल्लाह की बारगाह में सजदा करने वाले। अलआमरून बिलमारूफ अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के अल्लाह नेकियों की तरफ बुलाने वाले।
والناحون عن المنکر اور برائیوں سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کی حدود کی، اللہ کی شریعت کی حفاظت کرنے والے، وبشر المؤمنین، اللہ نے کہا زندگی میں ہی جنت کی بشارت لے لو۔ تو بھائی بہنوں، اگر ہمارے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے تو ہم توبہ کر لیں، ہم اللہ سے معافی مانگ لیں، تمہارے سارے انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اور موت ایک خوبصورت پیغام ہے، اگر یہ نو باتیں ہم کر لیں تو موت ایک خوبصورت پیغام ہے، آپ اپنے اصلی گھر میں پہنچ جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے نا، دنیا میں آدم علیہ السلام کو اتارا گیا تھا ان کے دانہ کھانے کی وجہ سے، تو گویا کہ یہ ایک طرح کی جنت سے دیس نکالا تھا کہ گھر تو تمہارا جنت ہے، اب جاؤ دنیا میں اور وہاں میں تمہارا امتحان لوں گا، پاس ہو گئے تو واپس تمہارے گھر میں پہنچا دوں گا جہاں ہمیشہ رہو گے، کبھی نہ مرو گے۔ اور یہ نو کام ہیں، ان میں کبھی کوئی کمی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگنی ہے، پھر لگ جانا ہے، پھر لگ جانا ہے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے۔ جب موت آئے گی اور یہ پردہ ہٹے گا تو ساری جنت کھل جائے گی، تو پھر وہ کہے گا جلدی لے چلو۔ اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام، اور اللہ ہمیں توفیق دے رہا، ہم غزہ بھی پہنچا رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا لنک بن گیا ہے، وہاں بھی ہماری امداد جا رہی ہے، اور یہاں جو ہماری فاؤنڈیشن ہے اس کے لیے بھی تعاون کی میں درخواست کروں گا۔ کینیڈا میں بھی ہمارا دفتر ہے، کینیڈا والے وہاں جمع کرا دیں، پاکستان والے، ہمارے تو لمبے میں دفتر ہے، وہاں جمع کرائیں اور کھل کے جمع کرائیں۔ یہ سارا آپ کا مال ہے جو آخرت میں آپ کے لیے جمع ہو رہا ہے، زکوٰۃ بھی ہو، زکوٰۃ کے اوپر بھی ہو، صدقات بھی ہوں، نفلی بھی ہوں، فرض بھی ہوں، تو یہ سب آپ کے کھاتے میں جمع ہو جائے گا۔ اپنی زکوٰۃ اور اپنے